दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा मुंबई छोड़कर चेन्नई में हुए शामिल और बने टीम इंडिया के नए कप्तान, तो क्या बोले मुंबई के तमाम दिग्गज। जी हां दोस्तों, मुंबई की टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा मुंबई की टीम को छोड़कर चेन्नई की टीम के कप्तान बन चुके हैं। इसके बाद पूरे क्रिकेट जगत में हाहाकार मच गया, लेकिन इस बीच मुंबई के तमाम दिग्गजों का बयान सामने आया। इस बीच लसिथ मलिंगा, करण पोलार्ड से लेकर हरभजन सिंह, अंबाती राजू ने एक ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिरकार रोहित शर्मा के चेन्नई के कप्तान बन जाने पर मुंबई के तमाम दिग्गजों ने क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन महान खिलाड़ी है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आईपीएल 2024 22 मार्च से शुरू होने वाला है, लेकिन इस बीच आईपीएल से पहले बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पता चल रहा है कि रोहित शर्मा मुंबई की टीम को छोड़कर अब चेन्नई की टीम में जाने वाले हैं और टीम के कप्तान बनने वाले हैं। ऐसे में अब इस खबर को सुनकर मुंबई के तमाम दिग्गजों का सनसनी मचा देने वाला बयान सामने आया, जिसमें लसिथ मलिंगा ने बयान देते हुए कहा कि रोहित शर्मा का मुंबई की टीम को छोड़कर चेन्नई की टीम में जाना कोई हैरान कर देने वाला फैसला नहीं है। मुझे पहले ही पता लग चुका था कि रोहित शर्मा कुछ हैरान कर देने वाला फैसला जरूर लेंगे, क्योंकि जब आप उनको उनके कद के अनुसार सम्मान देना नहीं जानते हैं तो वो ऐसा कदम लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर मुंबई की टीम मैनेजमेंट ने काफी गलत किया था, लेकिन अब सभी को समझ में आ गया है कि रोहित शर्मा मुंबई की टीम के लिए कितने ज्यादा महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा चेन्नई की टीम में जाएंगे, इसका मुझे अंदाजा हो गया था। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा का चेन्नई की टीम में जाना कन्फर्म है, क्योंकि चेन्नई की टीम को कप्तान की जरूरत है। तो वहीं करण पोलार्ड ने बयान देते हुए कहा कि रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी मिल पाना पूरी दुनिया में काफी ज्यादा मुश्किल है। रोहित शर्मा ने जिस तरीके से अच्छा प्रदर्शन करते हुए मुंबई की टीम को 5 बार चैंपियन बनाया और सबसे सफल टीम बनाई, उसके बाद भी उनकी दूसरी टीम में जाना काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला फैसला है, क्योंकि हार्दिक पांड्या के कप्तान बनने के बाद रोहित शर्मा काफी ज्यादा निराश है। और ऐसे में उनका मानना है कि रोहित शर्मा अब चेन्नई की टीम में कप्तान बनेंगे और चेन्नई की टीम को महेंद्र सिंह धोनी का उत्तराधिकारी देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा अगर इस तरीके का फैसला लेते हैं तो ये हैरान कर देने वाला फैसला नहीं होगा, लेकिन इस फैसले से मुंबई की टीम को तो काफी तगड़ा झटका लगेगा, क्योंकि उनका स्टार खिलाड़ी दूसरी टीम में चला गया। तो वहीं अंबाती रायडू ने बयान देते हुए कहा कि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर मुंबई की टीम ने काफी गलत किया था। मैंने पहले भी कहा था कि रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी को कप्तानी से हटाकर मुंबई की टीम काफी गलत कर रही है, क्योंकि मुंबई की टीम को अगर इतना ज्यादा सफल किसी ने बनाया है तो सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा है, और ऐसे में अब उनका दूसरी टीम में जाना लगभग कन्फर्म है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे पता लग गया था कि रोहित शर्मा जल्दी चेन्नई की टीम में जाने वाले हैं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का संन्यास लेना चेन्नई के लिए काफी दिक्कत पैदा कर सकता है, और ऐसे में अगर रोहित शर्मा एमएस धोनी की जगह टीम की कप्तानी अगले साल करते हैं तो चेन्नई की टीम को नुकसान नहीं होगा, बल्कि चेन्नई की टीम को और भी ज्यादा मजबूती इस खिलाड़ी के आने से मिल जाएगी। तो वहीं हरभजन सिंह ने कहा कि चेन्नई की टीम के पास काफी ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन रोहित शर्मा के आ जाने से चेन्नई की टीम को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि चेन्नई की टीम के पास तो काफी ज्यादा बेहतर खिलाड़ी हैं, लेकिन इस तरीके के खिलाड़ी के आने से चेन्नई की टीम को ज्यादा मजबूती मिल चुकी है और ये मुंबई की टीम के लिए काफी बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि मुंबई की टीम रोहित शर्मा का सम्मान करना नहीं जानती। इसी वजह से अब उनको इतना बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी का मुंबई की टीम का साथ छोड़ना मुंबई की टीम की जीत की सफलता को समाप्त कर देना है, और ऐसे में उनके फैसले को देखकर मुंबई की टीम दिक्कत में आ जाएगी। हालांकि ये फैसला रोहित शर्मा के नजरिए से काफी सही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा को चेन्नई की टीम का कप्तान बना देना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।